बिहार को 42,000 करोड़ रुपया केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिल चुका है। अगर भेदभाव करना होता कि 42,000 करोड़ रुपया कैसे मिलता, एक और जो है बिहार को 42,000 करोड़ रुपया केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिल चुका है, लेकिन जो केंद्र प्रायोजित योजना है वो एक फॉर्मूले पर आधारित है। आप जब खर्च करेंगे तब आपको उसका पैसा मिलेगा, और वो पैसा बिहार सरकार के खाते में पड़ा रहता है, बिहार सरकार उस पर ब्याज कमा रही थी। अब केंद्र ने सभी राज्यों के लिए नियम बना दिया कि जो पैसा पड़ा रहेगा उसका जो ब्याज होगा वो जब तक उस राशि को वापस नहीं करेंगे, ब्याज की राशि को, तब तक नई राशि नहीं मिलेगी। बिहार सरकार 5 महीना लगा दिया ब्याज की राशि वापस करने में। तो एक और तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे और आरोप लगाएंगे कि बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र की सरकार, चाहे वो CPM की सरकार हो या BJP की सरकार हो या नीतीश कुमार, किसी सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए, जो पैसा आता है उसको खर्च कीजिए, उसका हिसाब भेजिए, आपको केंद्र से पैसा मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बिना खर्च किए आपके खाते में पैसा जमा होता रहे और आप ब्याज की राशि अर्जित करते रहें, ये अब चलने वाला नहीं, वो जमाना चला गया। तो केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है और जो सभी राज्यों पर लागू है, उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है और बिहार के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। लालू जी ने कहा है कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, देश में बंटवारे की बांटने की कोशिश हो रही है। अब लालू जी बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं, कौन संविधान को बदल देगा? और संविधान बदलने की बात कहाँ से आ गई? तो कुछ ना कुछ बोलना, ये तो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, BJP आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, BJP आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। कहाँ संविधान खत्म हुआ, कहाँ आरक्षण खत्म हुआ? उल्टे BJP की नरेंद्र मोदी सरकार ने तो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया, 33% का आरक्षण दिया, और यही थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिन्होंने एक समय में पार्लियामेंट के अंदर बिल की कॉपी को फाड़ दिया था, टेबल पर चढ़ गए, माइक्रोफोन तोड़ दिया और बिल को पास नहीं होने दिया। और आज वही राष्ट्रीय जनता दल को झुकना पड़ा और आज उनको बिल पास कराने में मदद करनी पड़ी। और देखिए, जहाँ तक OBC आरक्षण का सवाल है, महिला आरक्षण में, तो क्या लोकसभा और विधानसभा में OBC आरक्षण है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण 90 साल से लोकसभा और विधानसभा, लेकिन आज तक कभी भी लोकसभा और विधानसभा में OBC आरक्षण नहीं रहा, और तो भी बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में OBC के लोग जीत कर जाते रहे, उसका क्या संबंध है? इस प्रकार की ऊटपटांग बातें बोलना जिसका कोई संबंध नहीं है, ये करें कि लिपस्टिक वाली औरतें पहुंच जाएंगी, फलाने पहुंच जाएगी, अरे टिकट आप जिनको देंगे OBC की सीट पर, OBC महिला को अगर आप टिकट देंगे वही जीत कर जाएगी, दूसरे वर्ग की महिलाएं कैसे जीत कर जा सकती है?